सिपाही नहीं तो हम पूरे मोहल्ले को फंसा देंगे भाई। पैर घायल हुए हैं, मेरा बच्चा स्पॉट हो गया, मेरी बीबी घायल, मेरा बेटी घायल। अभी अभी भागलपुर से एक बड़ी घटना सामने आ रही है। भागलपुर में फिर से एक बम ब्लास्ट हुआ है जिससे घटना स्थल पर ही 17 वर्षीय युवक की मौत हो गई है जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। बम विस्फोट में 17 साल के युवक मोहम्मद तौसीफ की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हैं जिनमें मकान के मालिक अब्दुल गनी की पत्नी सुल्ताना खातून और अब्दुल मन्नान बताए जा रहे हैं। घटना बबरगंज थाना के हुसैनाबाद के कुरैसी मोहल्ला की है। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि 5 किलोमीटर से अधिक दूर तक विस्फोट की गूंज सुनाई दी। वहीं घर के मालिक अब्दुल गनी का साफ कहना है कि यह बम विस्फोट था और बम कहां से आया था उन्हें नहीं पता, वो मोहल्ले वाले से पूछ रहे हैं। कोई सिपाही नहीं तो हम पूरे मोहल्ले को फंसा देंगे भाई। हमको मालूम भी ना, कोई बताया भी ना, अभी हम दुकान से आ रहे हैं। ये घटना कितने बजे हुई? घटना का भी नहीं कोई खबर हमको। अभी आपको मालूम कैसे चला? कुछ नहीं, हम अभी दुकान से आ रहे, पूरे मोहल्ले में आए, हमको कोई नहीं बताया। लड़का का क्या नाम था? लड़का का तौसीफ है, हम उसके पिता है अब्दुल गनी। पूरा बम से उड़ा हुआ मेरा बच्चा है, ये बम कहाँ से आया? हम अपने घर में बम रखते है, आस पास में है, पूरे मोहल्ले से पूछिए ये ब्लास्टिक कैसे हुआ। पैर घायल हुए हैं, मेरा बच्चा स्पॉट हो गया, मेरी बीबी घायल, मेरा बेटी घायल। 6 आदमी घायल? 3 आदमी। आपके घर में बम कौन? हम ये आसपास का है, मेरे घर के अंदर ब्लास्ट नहीं हुआ, ये गिरा है यहीं पर से कुछ है, किसी का ब्लास्ट। आपका घर गिरा है? हाँ, ये कहाँ पे ब्लास्ट हुआ, कहाँ रखा गया है, क्या है नहीं है, सबसे आप लोग पूछताछ कीजिए। क्या नाम हुआ साहब? मेरा नाम अब्दुल गनी हुआ। मेरे घर था? हाँ, मेरे बेटे का नाम तौसीफ आलम है, मेरी बेटी का किसका हुआ? मेरा बेटा डेड हो गया। क्या नाम था? तौसीफ। वहीं यहां के वार्ड पार्षद पति का कहना है कि यहां पर बम का जखीरा रखा हुआ था जैसा उन्हें सूचना है और उसी में विस्फोट हुआ है। बम क्यों रखा गया था अभी तक कोई बता नहीं पा रहा। वहीं सिटी डीएसपी और कई थानों की पुलिस मामले की जांच में लग गई है। घटनास्थल पर बम स्क्वाड, एफएसएल सहित डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। वहीं विस्फोट के बाद आसपास के घरों में भी काफी क्षति पहुंची है। वहीं इस मामले पर पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। रुके रहे कमर में। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कलाम। कहाँ घर हुआ? हुसैनाबाद। क्या लग रहा है, क्या शक लग रहा है, कैसे क्या हुआ? ये घटना कैसे हुई, क्या लग रहा है? हम लोग को नहीं पता जिसका घर, क्या होया जिसका घर द्वार, हम लोग का नहीं। आप बगल के बगल में रहने? 4-5 बजे आए घर में, एक बैग और एक बैग आवाज होता है, एक बैग आवाज होता है जिसके बिना पर हम लोग सुन के आवाज के जाते हैं। जब तो चारे की तरह लोट रही थी बाहर, लोट रही थी, बदन पर कपड़ा भी नहीं था शरीर के। तुरंत हम लोग कपड़ा देखिए, ये हमारा चादर भी है, हमारे घर का चादर है, हमारा लुंगी है जिसको बदन पर दिया हुआ। वह बस तुरंत हम लोग फौरन अपना ऑटो किए, ऑटो करके यहाँ लेके आए। अब घर में और क्या हुआ नहीं हुआ इसको हम नहीं देख सकते, कि बाहर में हम लोग बहुत जोर का आवाज़ था, खूब इतना जोर का आवाज़ था कि नालक ठीक हो गया। क्या लग रहा है, गैस सिलेंडर हुआ? हाँ, गैस सिलेंडर हुआ। अब कोई बोल रहा था कि खाना बना रही थी, और घर भी इसका एक घर तो वही में सिलेंडर फट गया। कोई बोलता नहीं दीवार गिर गया, कोई बोलता गिर गया, बोलता बम फूट गया। अब क्या हाजिर नाजी रहता, हम देखिए आपके सामने यहाँ लेके मौजूद है मरीज को, इसलिए कि मरीज की हालत में हालत हो रही थी, इसको छोड़ा तो जा नहीं। कैसे क्या हुआ? हमको पता चला कि यहाँ पर विस्फोट हुआ है, हम आए देखो, हमने माया बम विस्फोट हुआ, हमें 2 घायल है, एक मृत्यु हो गई। एक जो घायल है उसका नाम क्या? कोई महिला है? हाँ, महिला घायल है। और मौत जो हुई? मौत हुआ एक लड़का है। किसके घर में ये ब्लास्ट हुआ? इसका अब्दुल अब्दुल करते हैं, अमीरबाग का है, पार्षद प्रतिनिधि हैं वार्ड। क्या आशंका जताई जा रही है? ये बम विस्फोट है। बम विस्फोट है? बम मतलब कहीं कहीं ताकतवर बम? ताकतवर बम है, पूरा ताकतवर बम, पूरा घर उड़ गया, घर उड़ा हुआ है, जख्मी है, पैर कहीं हाथ कहीं है। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे?
प्रशासन सब मौजूद है यहाँ, एक मिनट में सब प्रशासन आ गया। मुजफ्फरपुर हो, DSP साहब हो, बहरगंज हो, सब जगह सब प्रभारी यहाँ मौजूद हैं। तो आखिर बम यहाँ आया कैसे? यहाँ आया कैसे, ये तो यहाँ जो लाया वो ना बता सकता है आया कैसे। मधुसूदनपुर में भी ब्लास्ट हुआ था, इसके बाद यहाँ भी इस तरह की घटना हुई। क्या लग रहा है, भागलपुर जो है बारूद के ढेर पे है क्या? ये पता नहीं है हम लोग को, हम मतलब ये नाली क्या रहती है, हम गरीब चक में रहते हैं। हाँ हम अजमेरी में सौ में काम करते हैं, मजदूरा है। हाँ समझा ना, तो जब जो कि हमको मालूम हुआ कि ऐसा यानी कि दीवार गिर गया है, तो यानी कि तो मार जो मेरे बच्चे का सूट फट गया है, तो वही हम आए देखने के लिए, तो वहाँ से मालूम चला कि आया हॉस्पिटल ले गया है। पूरा बम सोड़ा हुआ मेरा बच्चा है, ये बम कहाँ से आया? हम अपने घर में बम रखते हैं, आस पास में है, पूरे मोहल्ले से पूछिए ये प्लास्टिक कैसे हुआ। क्या घायल हुए हैं? मेरा बच्चा स्पॉट हो गया, मेरी बीबी घायल, मेरा बेटी घायल। क्या आदमी घायल? तीन आदमी। तो आपके घर में बम कौन? हम ये आसपास का है, मेरे घर के अंदर ब्लास्ट नहीं हुआ, ये गिरा है यहीं पर से कुछ है किसी का। आप ही का घर गिरा है? हाँ, ये कहाँ पे ब्लास्ट हुआ, कहाँ रखा गया है, क्या है नहीं है, सबसे आप लोग पूछताछ कीजिए। क्या नाम हुआ साहब? मेरा नाम अब्दुल गनी हुआ। हाँ, मेरे बेटे का नाम तौसीफ आलम है। मेरी बेटी का किसका हुआ? मेरा बेटा डेड हो गया। क्या नाम था? तौसीफ। कितना उम्र? तौसीफ आलम, 17 बरस। आपका नाम? मेरा अब्दुल गनी। ठीक। ये बस सिलेंडर कौन है, ये बम कौन हुआ है? पत्नी का नाम क्या? पत्नी नाम लिखे सुल्ताना खातून। ठीक। ये बम का ब्लास्टिंग है, ये भाई मोहल्ला छिपा था, पूरा मोहल्ला।